नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम घर पर ही गुटी से पौधे कैसे तैयार करें। तो घर पर कई तरह के क्रोटन के पौधे होते हैं और जिनकी छटाई हम समय समय पर करते हैं, तो इसको ऐसे ही काट के ना फेंकें, बल्कि इसी से पौधे हम कैसे तैयार कर सकते हैं इसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ, तो अच्छे से देखिएगा। उसके लिए हमको चाहिए ये ग्रेफ्टिंग नाइफ और क्रोटन का पौधा, अलग अलग डालियाँ हैं, और टेप का हम इस्तेमाल करेंगे, चौड़ा वाला सेलो टेप और मोटी पॉलीथीन, और ये हम लिए हैं थोड़ी नमी वाली गार्डन सॉइल, बगीचे की मिट्टी है ये, इसी से हम गुटी तैयार करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, मैं ये रिंग बनाया हूँ, इसके ऊपर की चमड़ी निकाला हूँ, तो इसके लिए हमको ऐसे इसमें गोल बनाना है। तो इसमें ऊपर नीचे ये हम रिंग बनाए हैं, करीब 2 इंच लंबाई लेके, और बीच से एक चीरा लगाए हैं, और यहाँ से इसके ऊपर वाली ये चमड़ी को हम ऐसे निकाल देंगे, इसे निकल जाता है, इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, पहले से भी हमने निकाल के रखा है, और ये भी ऐसे निकल जाएगा पूरी तरह से। तो इसमें थोड़ी सी ये नमी वाली मिट्टी लेंगे, ये अपने गार्डन की मिट्टी है, तो बढ़िया काली दिख रही है मिट्टी, और इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस तरह से। इसको मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे, प्लास्टिक को बढ़िया टाइट करेंगे, एयर टाइट बांधना है, और इसके बाद इसमें हम टेप चिपका देंगे। आप चाहें तो दोनों सिरे को रस्सी से भी बांध सकते हैं। इसमें 20 से 25 दिन में जड़ निकल आएंगे, और ये जड़ें यहाँ दिखाई देंगी, तो फिर यहाँ से इसको काट के अलग कर लेंगे, और फिर इसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ आपने देखा कि हमने ये 4 गुटी तैयार किया है, और इससे 20 से 25 दिन में 4 पौधे तैयार हो जाएंगे। हम यहाँ से इसको काट के अलग कर लेंगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारा ये चैनल देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।